काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिया गया है। एक चीज़ मेरे को उसमें कमी लगती है यहाँ पे बैक, बाकी एक चीज़ और एड ऑन कर दी गई है कि पहले आपको इंड स्विच और इग्निशन स्विच दोनों ही देखने को मिलते हैं इस हिसाब से। ऑल राइट, सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ रोड रैश ऋषभ, एंड हियर इज द यामाहा R15 और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की मोटो जीपी एडिशन है। थोड़े टाइम पहले डिसकंटिन्यू कर दी गई थी बट अब फिर से कंटिन्यू की गई है, वो भी लिमिटेड एडिशन है, ये भी फिर डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। बट इस बार की मोटो जीपी एडिशन में कुछ और चेंजेस किए गए हैं ग्राफिक्स में, और बाकी तो सब चेंजेस जो थे वो प्रीवियस टू न्यू अगर हम लोग देखें तो वही हैं, प्रीवियस में भी उतने थे, न्यू में भी उतने ही हैं, बस थोड़ा बहुत ग्राफिक का चेंज है। जैसे ये ग्रे कट्स थोड़े से ऐड ऑन किए गए, ग्रे ग्राफिक्स थोड़े से ऐड ऑन किए गए, इधर देखें अगर हम लोग इधर भी देखें, इधर एरोक्स भी खड़े, उसका भी एक सेपरेट रिव्यू मैं करूँगा अभी, और इतना कुछ ग्रे का ऐड ऑन और कर दिया गया है। और बाकी हम लोग देखें तो पहले आपको जो मीटर था इंस्ट्रूमेंटल कंसोल था वो TFT नहीं LCD देखने को मिलता था, अब TFT देखने को मिलता है। तो अगर देखें ठीक है, ठीक ठाक क्वालिटी है, मतलब थोड़ा सा वाइब्रेशन है अगर हम देखें इसमें तो, बट यस ओवरऑल देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है, देखने में काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। और R15 का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो ओवरऑल नॉलेज पूरी है इस मोटरसाइकिल की मेरे को। तो 141 kg राइट ओवर एयर, 815 mm की सीट हाइट, और यहीं पर आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें बॉडी के ऊपर तो यहाँ वैल्यूएबल वेल्व एक्चुएशन R15 M, वो और दो वेरिएंट में आपको देखने को मिलती है, एक M जो कि ये सीरीज़ है टॉप ऑफ द लाइन, और एक हम लोगों को मेटालिक रेड और डार्क नाइट और एक ब्लू रेसिंग ब्लू कलर देखने को मिलता है। तीन कलर हम लोग के V4 में आते हैं, वैसे यह है ये भी V4 लेकिन इसको कैटेगरी M की दी गई है। तो एक हम लोग का नॉर्मल M आती है जो ग्रे कलर में आती है, एक मोटो जीपी एडिशन जो कि यहाँ पे, एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है, ये चीज़ आपको गोल्डन में देखने को मिलती है, M सीरीज़ में ये चीज़ गोल्डन नहीं है, इसमें गोल्डन देखने को मिलता है, उसमें गोल्डन नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे यामाहा कनेक्ट, आप यामाहा के ऑफिशियल ऐप से अपनी मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर सकते हो कॉल रिसीव मैसेज अलर्ट्स चेकआउट करने के लिए। यहाँ पे यामाहा फैक्ट्री रेसिंग की स्टिकर आपको देखने को मिलता है, USB फोक आपको देखने को मिलते हैं, KYB की तरफ से गोल्डन USB फोक हैं, काफ़ी यूनिक लगते हैं देखने में। यहाँ पे 282 mm की डिस्क इधर देखने को मिल जाती है, और रियर में आपको 220 mm की डिस्क देखने को मिल जाती है। 18 HP एंड 14 Nm ऑफ टॉर्क इज राइट ओवर हेयर, और यहीं पे हम लोग बात करें तो 155 cc का इंजन देखने को मिलता है। असिस्ट ऑफ स्लीपर क्लच दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि डाउनशिफ्ट काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं और क्लच काफ़ी ज़्यादा लाइट कर दिया गया है। एक चीज़ मेरे को इसमें कमी लगती है, यहाँ पे बैक का बटन नहीं दिया गया है, बैक आपको नीचे नीचे करके फिर एक बैक आएगा, अभी मैं दिखाऊंगा, उससे जाके आपको बैक करना पड़ेगा, ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा वो लगती है। एक बैक का बटन यहाँ दे दे जैसे 390 ड्यूक में है, यहाँ पे बैक का भी बटन दिया गया है, इसमें बैक का बटन नहीं है, तो चीज़ मेरे को थोड़ा सा इरीटेटिंग लगती है कि नीचे आप पहले करो फिर उसको सिलेक्ट करो तब वो बैक होगा, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी लैप टाइमर आपको उसमें देखने मिलता है, अभी मैं इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के ऊपर भी फटाफट डिस्कस कर दूंगा। ओवरऑल सीट देखें तो थोड़ा सा कार्बन टाइप की फिनिश की गई है सीट में, अगर दूर से देखें तो यहाँ पे R15 M की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, ये चीज़ मैं अपनी बाइक में भी सोच रहा हूँ करवाने की, अच्छा लग रही है। बाकी मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिलती है, जो सिंगाम है वो आपको यहाँ पे सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, और जो रियर सस्पेंशन है येलो कलर देखने को मिलता है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। बाकी आपको डुअल चैनल ABS और 140 सेक्शन रियर में, और 100 सेक्शन आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, ABS ऑफ नहीं कर सकते हो, बाकी क्विक शिफ्टर आपको यहाँ देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा शिफ्ट होता है एक्चुअली अगर बताऊँ तो। बाकी एक चीज़ और एड ऑन कर दी गई है कि पहले आपको इंडिकेटर देखने को मिलते थे नॉर्मल, अब आपको LED देखने को मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओवरऑल फटाफट हम लोग बाइक में बैठते हैं और ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस हिसाब का कुछ पूरा इंस्ट्रूमेंटल कंसोल है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है देखने में। और यहीं पे हम लोग को पास लाइट लो बीम हाई बीम एक ही क्लिक से देखने को मिल जाता है, ये सिलेक्ट, यहाँ पे अप एंड डाउन, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हजार्ड भी आपको देखने को मिलते हैं, ये हॉर्न देखने को मिलता है, और सिंगल स्विच में आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच दोनों ही देखने को मिलते हैं, इस हिसाब की कुछ पूरी साउंड है। बाकी हजार्ड आपको इस हिसाब के देखने को मिलते हैं, हजार्ड आपके अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक कुछ नहीं देखने को मिलता है, सारा चीज़ यहीं पे देखने को मिल जाता है, इग्निशन और किल स्विच दोनों। तो इतना ही कुछ पूरा था, अब हम दिखाते हैं पूरे मीटर के ऊपर, एक बार फिर से ऑन करके दिखा देते हैं। तो इस आपका कुछ पूरा मीटर है, यहाँ ABS इंडिकेशन है, ट्रैक्शन का इंडिकेशन, यहाँ पे ट्रैक्शन का इंडिकेशन भी आपको देखने को मिलता है, इधर भी दोनों जगह, यहाँ लो बीम, यहाँ टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ न्यूट्रल इंडिकेशन, यहाँ इंजन चेकलाइट वार्निंग, यहाँ पे हाई टेम्परेचर इंडिकेशन। तो इतना ही कुछ पूरा था, सिलेक्ट बटन हम लोग यहाँ पे दबाते हैं तो आपको दिखाएं, ये थोड़ा सा कभी कभी टाइम टेकिंग लगता है, सिलेक्ट बटन दबाए रहो, या एक सिलेक्ट में हम लोगों का ये चीज़ आना चाहिए, बट आपको एक सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लैप टाइमर आ जाएगा, यहाँ पे
इस हिसाब का कोई एक मीटर आ जाएगा यहाँ पे, अगेन लैप टाइमर, तो एक लैप टाइमर और एक यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे की तरफ हम लोग करेंगे ट्रिपल मीटर, ट्रिप टू मीटर, ऑटो मीटर, डेट्स इट। और यहाँ पे जाएंगे एवरेज मीटर, बैटरी वोल्ट, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, करंट फ्यूल, और यहाँ एवरेज फ्यूल, डेट्स इट। फिर से लैप टाइमर जाएंगे तो एवरेज, लेटेस्ट टू फास्टेस्ट। लैप टाइमर आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो इस वाली बटन से, बाकी यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर चलने लगेगा और यहाँ से आपका टैकोमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्विक शिफ्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, यहाँ गियर शिफ्ट इंडिकेटर, यहाँ टाइम, और यहाँ पे फ्यूल गेज देखने को मिलता है, और इधर आपको ट्रैक्शन देखने को मिलता है, और ये आपकी आरपीएम लाइट देखने को मिलती है। काफ़ी यूनिक लग रही है। अभी सिलेक्ट बटन हम लोग अगेन दबाते हैं और फिर इस पूरे मीटर के ऊपर दिखाते हैं। तो मैंने जैसा बोला टाइम टेकिंग है, तो टाइम टेकिंग सही में यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग आती है। सिलेक्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो, डे नाइट, और यहाँ पे बैक, जैसा कि मैंने बताया बैक को नीचे जाके करना होता है, फिर डिस्प्ले कलर, वॉलपेपर, डिफॉल्ट मीटर मोड, फिर बैक, ऐसे बैक जाओगे, फिर यहाँ पे लैप टाइमर आ जाएगा। लैप टाइमर रिकॉर्ड्स देख सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो, TCS यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, क्लॉक, कस्टमर नेम, कस्टमर नंबर, यूनिट, ये सब आ जाएगा, ऑल रीसेट, बैक फिर जाएंगे, और यहाँ शिफ्ट इंडिकेटर आपका देखने को आ जाएगा। आप अपने हिसाब से RPM सेट कर सकते हो कि हिसाब से आपको शिफ्ट इंडिकेटर चाहिए, फिर बैक करते हैं, फिर यहाँ बैक आ जाएगा, डैट्स इट। तो इतना ही कुछ पूरा इसके ऊपर मीटर था, इतना ही कुछ मेरी बातचीत थी मीटर के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया सिलेक्ट में टाइम टेकिंग है, बाकी सब तो ठीक है, बस यहाँ पे एक बटन होता तो काफ़ी यूनिक हो जाता ये भी। फिर स्टैंड लगाते हैं, तो इस हिसाब की ओवरऑल पूरी मोटरसाइकिल है। बाकी मैंने इसके ऊपर एक और डिटेल रिव्यू किया R1M के ऊपर, जब इसमें मीटर आया था TFT वाला, तो उसके ऊपर भी मैंने बातचीत की थी। अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी फ्रंट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इनियोस और मोसिनर्जी, जितने भी मोटो GP के हम लोग के स्टिकर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट रिव्यू जो होगा वो एरोक्स के ऊपर होगा। तो इस हिसाब की कुछ पूरी मोटरसाइकिल है, ये सबकी कुछ लग रही है। बाकी मैं प्राइस बता देता हूँ, तो 238,000 ऑन रोड आपको देखने को मिल जाएगी। नटराज यामा पे आके कंसर्न कर सकते हो, सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी हम लोग यहाँ से वीडियो एंड करते हैं, तो साइनिंग आउट फ्रॉम हियर। सो वीडियो चलिए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।